हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरा तो नया घर का वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने उसका एप्टीट्यूड डाला है और बहुत सारे सामान जो है आजकल मेरे घर में आ रहे हैं उसे इंस्टॉल करना पड़ रहा है, कुछ बाहर से भी इंस्टॉल मुझे करना पड़ रहा है। तो वार्डरोब जो है अभी आके मेरा दूसरे रूम के लिए आ गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा वो वार्डरोब कैसा है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने वो वार्डरोब कहाँ से लिया और आप कैसे, अगर जर्मनी में हैं तो आप भी वार्डरोब ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ या तो फर्निश अपार्टमेंट मिलते हैं या तो अनफर्निश अपार्टमेंट मिलते हैं या घर जो भी है मिलते हैं या सेमी फर्निश भी मिलते हैं कभी कभी। अगर अनफर्निश अपार्टमेंट या घर जो भी आप ले रहे हैं तो आपको जो है खुद से फर्नीचर वगैरह लेना पड़ेगा, तो उसमें आप कहाँ से वो फर्नीचर लें। उसमें जो है सबसे बेसिक चीज़ जो होता है फर्नीचर का वार्डरोब ही होता है, और वार्डरोब कहाँ से आप ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार तो ऐसा है कि फ्री में भी मिल जाता है, कभी कभी लोग ऐसे देने के लिए कह देते हैं कि मैं देना चाह रहा हूँ आप ले लीजिए, यहाँ पर आके पिकअप कर लीजिए वार्डरोब, बट वो काफ़ी बड़ा होता है और लेना वगैरह पिकअप करने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का ही पैसा इतना लग जाएगा कि बेटर है कि नया ही खरीद लें। तो बड़ी चीज़ें तो लोग नया ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं लेना। तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ वेबसाइट जहाँ से आप ले सकते हैं वार्डरोब को। वो है ओटो, सेकमुलर, आइकिया, कॉफलांड, रोलर, पोको, ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और वार्डरोब को देख सकते हैं। और वार्डरोब का आपको बहुत तरह का उसमें वहाँ पर मिलेगा, जैसा भी आपको चाहिए, प्राइस वगैरह आप ऑप्शन देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर ज़्यादा बड़ा घर हो तो आप अच्छा खासा साइज़ का वार्डरोब ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कपड़े वगैरह जो हैं काफ़ी इंडिया से ज़्यादा लगते हैं, ठंडे के कपड़े बहुत होते हैं यहाँ पर। विंटर्स के भी जब हल्के हो जाता है विंटर यहाँ पर तो उसकी एक अलग स्वेटर वगैरह लगती है, इसलिए वार्डरोब तो बहुत ज़्यादा भर जाता है यहाँ पर। एक इंसान का भी इतना भरता शायद इतना इंडिया में दो इंसान का भरता होगा वार्डरोब। तो अगर आपका बड़ा साइज़ का घर या अपार्टमेंट जो भी है तो आप एक अच्छे साइज़ का वार्डरोब ही ले ले तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको जो भी वेबसाइट बताई है आप उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना वार्डरोब जो अभी आया है, फिर उसको मैं बताती हूँ कितने प्राइस का है, और आप देख भी सकते हैं कि जर्मनी में वार्डरोब कैसे होते हैं। और जर्मनी में वार्डरोब वगैरह खरीदने के लिए आपको 2-3 महीने लग ही जाते हैं। तो अगर आपको कहीं शिफ्ट होना है घर पे तो आप पहले 2-3 महीने हैं जो उस पर ऑर्डर कर दीजिए ताकि वो उस समय पे पहुंच जाए। और यहाँ जो है आप खुद से ही उसको जो है इंस्टॉल वगैरह करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप खुद से इतना बड़ा करेंगे तो अच्छे से भी नहीं होगा। वो प्रॉपर प्रोफेशनल होते हैं, अपना समय तो लेते हैं बट एकदम अच्छी तरीके से समय और पैसा भी लेंगे आपसे, ऑब्वियस है। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंस्टॉल करके आपका वार्डरोब दे देंगे। छोटी मोटी चीज़ें तो आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर वार्डरोब, बेड, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आप उनसे ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी मैं आपको चलिए दिखाती हूँ अपना वार्डरोब को। तो ये है मेरा वार्डरोब, अब मैं इसे थोड़ा आपको दूर जाके अच्छे से दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा सा वार्डरोब है। अब इसमें अंदर कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाहर तो पूरा ग्लॉसी पूरा टच का ये है, ये बैगी कलर का है, और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ ऐसा है। अभी तो मैंने इसमें सामान रखना है बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ सेट करना है, अभी मैंने नहीं किया है। तो थोड़े बहुत मैंने ऐसे ही ये खरीद लिया है इसमें क्लॉथ वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसमें मैंने वही सब सामान अभी रखा है, ये जो आप देख रहे हैं ये बैग वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए है। तो ये वार्डरोब आप देखिए काफ़ी बिग साइज़ का है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे दिया हुआ है ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जैसा भी आपको, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं उसे आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे के जैसा भी आपको चाहिए कर सकते हैं। और ये इसमें ड्रॉयर भी है,
ये दो इसमें ड्रॉयर है इस साइड पे, और टच इसका बहुत ही सॉफ्ट है, इसे क्लोज करने पे कोई भी आवाज नहीं आता है। ये मिडिल का है पूरा इसका स्पेस, इसमें हैंगर में कपड़े वगैरह करके रख सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये डॉट वगैरह है, तो यहाँ आपको जनरली सारे वार्डरोब में ऐसा मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड वगैरह जो है वो बनवा सकते हैं, उसमें फिट कर सकते हैं जब आपको मन हो। अगर मुझे यहाँ ये बोर्ड चाहिए तो मैं यहाँ उसे सिंपली हटा के यहाँ फिट कर सकती हूँ। और ये लास्ट है, इसमें इसी रूम का मैंने ये पिलो वगैरह जो अभी आया था वो रखा हुआ है अभी, और ब्लैंकेट और पिलो अभी है, इसे सब सेट करना है इस रूम में। और ये अगेन इसमें भी यहाँ पे दो ड्रॉयर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ ये दो ड्रॉयर है, इसकी हैंडल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इस वार्डरोब में मैं आपको कुछ दिखाती हूँ क्या कुछ खास बात है इसमें। इस वार्डरोब में सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये लाइट भी है ऊपर, और ये लाइट जो है वो वार्म वाइट सब सेट हो जाता है। और जब इसे खोलते भी हैं तो लाइट वगैरह से अच्छे से इसमें दिख भी जाएगा अंदर कपड़े वगैरह कहाँ कैसे रखे हैं। यहाँ पे उसका पूरा वायर का सेटअप है, इसी से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत से वार्डरोब पे यहाँ पे मिरर भी होता है, मिरर वाले वार्डरोब बहुत मिलेंगे यहाँ पे, बट मैंने मिरर का वार्डरोब नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑलरेडी जो है ड्रेसिंग टेबल था, तो मुझे ये दो मिरर नहीं चाहिए था यहाँ पर। और दूसरा मेरा एक वार्डरोब है दूसरे रूम में, उसमें मिरर वाला वो है, तो आपको अगर मिरर वाला चाहिए तो आप मिरर वाला ले सकते हैं। और आप ये जैसा मैंने आपको ये ड्रॉयर दिखाया है जो चार ड्रॉयर है वैसा बहुत कम देखने के लिए भी मिलता है, बहुत सेलेक्ट करना पड़ता है। हमने पहले वाला जो मैंने लिया उसमें तो ड्रॉयर नहीं थे, इसलिए इस बार मैंने बहुत अच्छे से खोज की ये ड्रॉयर का ही लिया है, क्योंकि ड्रॉयर में अच्छे से सब सामान भी रख सकते हैं। तो आप ज़रूर से ही ड्रॉयर वाला ही लीजिएगा, उसमें आप अच्छे से पूरा सामान ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, वो कम देखने के लिए मिलता है बट ज़्यादा आप सेलेक्ट करिएगा तो मिल जाएगा। और काफ़ी बिग साइज़ का है ये, इसकी हाइट भी और ऊपर साइज़ की भी थी, और ये काफ़ी और वाइड भी मिल रहा था, बट मुझे इस रूम के अकॉर्डिंग इतना ही बड़ा मुझे सही लगा तो मैंने यही लिया, और ज़्यादा ऊपर रख देने से फिर वो निकालने के लिए भी दिक्कत होता है। इस वार्डरोब को मैंने जो है ऑटो से लिया है, और मैंने वही वेबसाइट आपको बताई है जो जनरली मैं जिनका यूज़ करती हूँ, जिनका ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है, जिनके बेड सोफे वगैरह मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है, वही सब वेबसाइट मैंने आपको ज़्यादातर आपको बताया है। और इसका जो प्राइस है वो है 1250 यूरो प्लस जो है मुझे 300 जो है मुझे एक्स्ट्रा लगा था इसे इंस्टॉल कराने का, और इंस्टॉल कराने में ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगे थे। अगर आपको एक बेसिक सा वार्डरोब चाहिए मिरर वगैरह के साथ, आपको 800 में आराम से मिल जाएगा एक अच्छे साइज का वार्डरोब, और लाइट वगैरह आप लेते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और साइज वगैरह बड़ा लेते हैं तो एक्सपेंसिव हो जाता है। सब कुछ आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट 700 से 800 यूरो में आपको एक अच्छा सा जो वार्डरोब है वो मिल जाएगा। और मैंने ये स्विच सेट वो वही पहना है जो मैंने जिसका वीडियो कुछ दिन पहले आपको दिखाया था अपलोड करके टेमो का। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप जाके ले सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको लिंक वगैरह शेयर करके दिया, आप जाके विजिट कर सकते हैं और आप कलर वगैरह देख सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको वो ले सकते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा सा फिट भी हो गया है मुझे। तो ये है आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।